बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी रेसिपी है घर के बचे हुए ब्रेड से आलू टिक्की बनाना। तो चलिए, इसको हम पहले गैस पे पैन रख दिए हैं, इसको पहले हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ब्रेड हमारा हल्का हल्का रोस्ट हो चुका है, अब हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो गैस देखिए, हमारा ब्रेड अच्छे से चूड़ा बन गया है और एक हमने ये हल्दीराम का टका टक लिया है, तो इसको भी हम चूड़ा बनाएंगे। इसको हम टिक्की में कोट करेंगे। सो गाइस देखिए, हमारे टका टक का भी ये पाउडर बन गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो पैन हमने एक बाउल ले लिया है और ये देखिए, दो आलू हमने अच्छे से ग्रेट किया था, इसको हम अपने बाउल में ऐड करेंगे। ये कच्चा आलू है। एक स्लाइसेस में ओनियन है और ये कोरिएंडर लीव्स है और ये जो हमने ब्रेड रोस्ट किया हुआ था उसका पाउडर इसमें ऐड करेंगे और ये आधा बाउल कॉर्नस्टार्च है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए, कुछ अब हम इसमें मसाले ऐड कर दे रहे हैं। तो एक चम्मच इसमें हम पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल रहे हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हाफ टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पाउडर, आप इसमें हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। आप सॉरी गाइस, हमने रेड चिल्ली पाउडर डाला है इसमें, आप इसमें ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं। और ये हम कुछ इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे, थोड़ा चाट मसाला हाफ टेबल स्पून। अब चलिए हम इसको मिक्स करते हैं। आप इसमें बेसन भी मिला सकते हैं आपके पास अगर कॉर्न स्टार्च ना हो तो। तो गाइस, हाथ को हमने पहले वॉश कर लिया था, अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, ये तो बैटर हमारा गीला हो जाएगा। थोड़ा ही पानी हमको डाल, हाथों में हमने ऑयल लगा लिए हैं। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बनाएंगे। तो ये देखिए, हम इसकी टिक्की बना रहे हैं इस तरह से। तो गाइस देखिए, हमारी सारी टिक्की बनके रेडी हो चुकी है और इसको थोड़ा सा और स्वादिष्ट और चटपटा बनाने के लिए ये जो हमने टकाटक ग्रेट किया था इसमें इसको हम कोट करेंगे सारी अपनी टिक्की को, यूं इस तरह से। आपको कभी भी छोटी मोटी भूख लगी हो शाम के टाइम या सुबह नाश्ते में, कभी भी आप इसको बना के खा सकते हैं। बस देखिए, हमारी सारी टिक्की टकाटक में कोट हो चुकी है। अब हम अपने पैन में ऑयल डालेंगे। पैन हमने गैस पे चढ़ा दिए हैं, अब इसमें ऑयल डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ये बहुत इजी रेसिपी है, ये देखिए। आप इसको बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमने अपनी सारी टिक्की पैन में फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अब इसको हम स्लिम फ्लेम पे धीरे धीरे इसको हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो गाइस देखिए, हमारी एक साइड की टिक्की हो गई है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम पलट देंगे। हम इसको बहुत मीडियम फ्लेम पे बना रहे हैं, ये अंदर से पूरी अच्छे से सिक जाए, हमारा आलू कच्चा न रहे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है।
गाइस देखिए हमारे सारी टिक्की कितनी बढ़िया कितनी क्रिस्पी बनी है। इसका कलर देखिए देखिए कितनी क्रिस्पी है, कितने अच्छे से हमने इसको कोट किया है। इसी तरह आप भी हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। तो गाइस देखिए हमारी टिक्की बनके बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, एकदम क्रिस्पी मज़ेदार चटपटी। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आप एक लाइक तो करना बनता है हमारे लिए। ये देखिए आप इसको चटनी के साथ सर्व करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।